A very good morning, students. Welcome in Expert Brain Coaching Center. I am Hesan Khan. I am back with the new videos. Today we are going to discuss a special type of concept. Today's video is totally based on JEE Mains and NEET exam. Okay, आज का जो lecture हमारा होगा वो JEE और NEET के students के लिए ही होगा. ये board के exam में ऐसे questions बहुत कम पूछे जाते हैं. आज मैं Combination of Capacitors का एक different type का concept आपके सामने लेकर आया हूँ. अगर students को इस type के numerical में problem आ रही है तो वहाँ पे teachers के help के बिना या कोई coaching के teacher हों, institute के teacher हों, उनके help के बिना ये questions students से बन नहीं सकता है. ठीक है, तो आज का lecture JEE Mains और NEET के point of view से बहुत important होने वाला है. ओके, this is the lecture number 12th of electrostatic potential and capacitance. I have covered all the topics of electrostatic potential and capacitance. मैंने electrostatic potential and capacitance की पूरे टॉपिक को पिछले 11 लेक्चर के अंदर में कवर कर रखा है. This is the 12th lecture. आज को जो लेक्चर होगा वो टोटली बेस्ड होगा न्यूमेरिकल पे. किस पे होगा? न्यूमेरिकल पे. I want आप लोगों का कंपटीशन फिजिक्स की वजह से नहीं रुके. ठीक है, चाहे वो नीट हो चाहे वो JEE Mains हो. तो मैं आपको रिकॉल कर दूं, मैंने प्रीवियस 11 लेक्चर के अंदर में जो टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के अंदर में थी मैंने कवर कर रखा है. फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस, देन वी हैव कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर, how to calculate electric field when electric dipole is kept in a uniform electric field, electrostatic potentials, equipotential surfaces, electrostatic potential energy, its derivation, capacitor, parallel plate capacitor, its derivations, numericals, dielectric. Okay, all the concept of this chapter have been uploaded upon this channel. And chapter number 1, electric charges and fields are available upon this channel. Okay, मैंने upload पहले ही कर रखा है electric charges and fields का पूरा lecture को. If any one of you wants to read these topics, do one thing. Search any topic, write some, such as electro potential due to a spherical charge or point charge by Expert Brain Coaching Center. You will get the videos very easily. Okay, today's lecture will be based on some concept. Means I have brought two or three types of numericals. Type 1 के अंदर में कुछ numerical करेंगे, type 2 के अंदर में करेंगे और type 3 के अंदर में करेंगे. ठीक है, जैसे जैसे exam का date नजदीक आता जाएगा मैं different different type का numerical आपके सामने लाता जाऊंगा. ठीक है, इस channel के साथ बने रहिए. देखिए, आज का जो पहला टाइप का जो हमारा न्यूमेरिकल होगा वो हमारा होगा वायर कनेक्शन प्रॉब्लम्स. वायर कनेक्शन प्रॉब्लम का मतलब क्या होगा? जब हमारे पास कोई वायर हो, देखिए मैंने यहां पर ड्रा किया है, जैसे हमसे पूछा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हम लोगों से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है. ये तीन हमारे क्या है? कैपेसिटर है. हमारे तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं, कितने भी कैपेसिटर लगे रह सकते हैं. आपको आज के लेक्चर में टोटली कॉन्सेप्ट सीखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम डील करेंगे, कैसे सॉल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को. ठीक है, अब ये देखो कि जब ऐसा क्वेश्चन हमारे पास में हो और जब पोटेंशियल दिया हो इनिशियल का और फाइनल का, जैसे यहां पे ए पे का जो पोटेंशियल है वो वी है और यहां पे का जो पोटेंशियल है वो जीरो है, तो आपको मालूम होना चाहिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन. मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन. इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर रिमेंस डिफरेंट. सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर में पोटेंशियल जो सारे कैपेसिटर का होता है वो सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है. तब सर ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखो क्या करते हैं, हम लोग एक वायर लेते हैं. क्या लेते हैं? एक वायर. वायर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं. जैसे देखो मैंने एक वायर यहां से लिया, ठीक है, इस वायर को उठा के यहां कनेक्ट कर दिया, यहां से उठाया इस वायर को यहां कनेक्ट कर दिया. अब एक बात ध्यान में रखो, जब कोई वायर पे कोई कैपेसिटर ना हो या कोई रेसिस्टर ना हो
तब उस वायर का पोटेंशियल सेम रहता है। क्या बोल रहा हूं मैं, जब कोई वायर है उस वायर के से कोई भी कैपेसिटर या कोई भी रेसिस्टर या कोई भी सेल उससे जुड़ा हुआ नहीं है, उसके ऊपर लाइन नहीं कर रहा है, तब उस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इसका मतलब ये है, अगर यहां पे वी है तो यहां पे क्या होगा, वी होगा। तो इस पूरे वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट ही होगा, सेम होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पर कब वी है और यहां पर कब वी है, तो मैं क्या करता हूं, एक वायर और उठाता हूं, एक वायर मैं लेता हूं यहां से, ठीक है, एक वायर यहां लिया, इस दोनों वायर को मैंने क्या कर दिया, स्टिक कर दिया, जोड़ दिया। तो अब हमसे पूछा जाएगा कि सर ये वायर का जो मैंने सेकंड वायर लिया है, ये वायर और ये वायर, ये वायर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो देखो अगर ये वायर का यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो यहां पे वायर क्या होगा, जीरो होगा। अब इस पूरे वायर पे ना ही कोई कैपेसिटर लगा हुआ है और ना ही कोई रेसिस्टर लगा हुआ है, इस वायर का दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताया मैंने, अगर कोई वायर है उसके ऊपर में कोई भी रेसिस्टर ना लगाओ या कोई भी कैपेसिटर नहीं लगाओ या इंडक्टर नहीं लगाओ तो उस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। क्लियर है। अब देखो कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये वायर का, तो ये जो दो वायर है, ये दो वायर मैंने लिए हैं वो किसके किसके बीच में लाई किया हुआ है। देखो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, जैसे हमारे पास पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, क्लियर, साफ साफ दिख रहा है। ए पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या है, वी है, बी पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल जीरो है। अब देखो इसके बीच में कौन कौन सा कैपेसिटर लाई कर रहा है, एक तो लाई कर रहा है ये वाला कैपेसिटर, देखो ए और जीरो के बीच में लाई कर रहा है, मैं इस तरह से ड्रा कर रहा हूं, समझिएगा इस बात को, एक तो ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है, दिख रहा है किसी किसी बीच में, ए और जीरो के बीच में, ए और जीरो के बीच में। अब देखो ये वाला जो कैपेसिटर है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो और वी के बीच में लाई कर रहा है। देखिए भैया, देखो बच्चे को कंफ्यूजन होता है, ये कैपेसिटर ये और ये के बीच में लाई कर रहा है, तो यहां का पोटेंशियल वी है और यहां का पोटेंशियल जीरो है, तो मैंने इसे ड्रा कर दिया। अब जो दूसरा कैपेसिटर है वो कहां कहां लाई कर रहा है, देखो यहां पर का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो और यहां पोटेंशियल डिफरेंस वी, यानी ये भी लाई कर रहा है वी और जीरो के बीच में, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। क्लियर, देखिए बहुत सिंपल तरीके से ड्रा किया है, ये वाले कैपेसिटर को यहां ड्रा किया है, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस वी और जीरो है, इस वाले के लिए भी जीरो और वी है, तो मैं इसको ऐसा ड्रा कर दिया क्योंकि ये पैरेलल में। अब देखो ये वाला किसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या, ये भी लाई कर रहा है वी और जीरो के बीच में, तो इसको मैं ड्रा कर दे रहा हूं इस तरीके से। अब देखिए आप क्या इस कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना कितना आसान हो गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना कितना आसान हो गया, सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब देखो आपके मन में सवाल आता होगा कि सर आपने यहां पे वी और यहां पे जीरो कहां से ला दिया, सवाल मन में आता होगा, सर ने पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट पे एक कहां से ले लिया। तो वायर कनेक्शन वाले प्रॉब्लम में आप लोगों को एक इमेजिनरी बैटरी ड्रॉ करना पड़ता है या इमेजिनरी एक सेल ड्रॉ करना पड़ता है, तो मैंने ड्रॉ नहीं किया, आप चाहो तो कर सकते हो। कैसे करेंगे सर, देखो आपको एक इमेजिनरी बैटरी ड्रॉ कर सकते हो या सेल ड्रॉ कर सकते हो, इमेजिनरी डॉट लाइन से दिखा दो, ठीक है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है, ठीक है, तो इधर प्लस होगा या जीरो होगा, यस और नो, प्लस ही होगा, तो यहां पर का प्लस ये इमेजिनरी बैटरी आप ड्रॉ भी कर सकते हो, बट बच्चों को समझाने के लिए ड्रॉ कर देना ही सही होता है, ठीक है। यहां पे वी कहां से आया, यहां से जीरो कहां से आया, एक इमेजिनरी बैटरी ड्रा कर दीजिएगा जब वायर कनेक्शन वाला प्रॉब्लम आएगा तब। फिर आप वायर जब कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जब वायर के ऊपर में कोई रेसिस्टर कंडक्टर या फिर हमारा इंडक्टर ना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो देखो फिर इस तरीके से देख लेना, जो मेन पॉइंट है ए और बी है, वी यहां पे जीरो यहां पे। अब देखो ए और वी और जीरो कहां कहां पे है, ये वाला कैपेसिटर वी और जीरो के बीच में है, ये वाला वी जीरो के बीच में है, ये वाला वी जीरो के बीच में, ऐसा ड्रा कर दो, क्लियर है। अब ये किसमें बन गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू तीनों का ऐड कर दो, कितना सिंपल हो गया, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 3C, इसकी वैल्यू दी होगी, पुट अप कीजिएगा आंसर आ जाएगा। बिना टीचर के हेल्प से या आपको अगर कोई स्टूडेंट को दूसरा स्टूडेंट या उसका फ्रेंड नहीं बताता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हो पाएंगे,
आपको इस तरह का मेथड या ट्रिक सीखना होगा। क्लियर है? वायर कनेक्शन वाले प्रॉब्लम को हम इस तरीके से डील करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। देखिए मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया, सेकंड क्वेश्चन में यही निकालना है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। हम लोगों को ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इस वाले में भी आप फाइंड आउट कर लोगे। तो देखो क्या करना आप, कि सबसे पहले क्या करना, ये ए है, कितना कैपेसिटर है, 1 2 3 4। आप क्या करो कि सबसे पहले एक ये ड्रा कर दो। क्या ड्रा कर दोगे? एक वायर ड्रा करो यहां से उठा के। अगर वायर आप यहां से उठाते हो तो कहां ले जाओ? सबसे लास्ट वाले में ले जाओ, ताकि ये पूरा कवर हो। देखो यहां लेकर आ जाना है, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो यहां का भी क्या होगा, वी होगा। कोई दिक्कत नहीं सर? अब देखो बी वाले का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो क्या करो उसको यहां से कनेक्ट कर दो, यहां वाले वायर से कनेक्ट कर दो। तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो वहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो होगा। फिर से मैं बता रहा हूं, जब वायर लगाओ अपनी तरफ, जब वायर आप लगाते हो, उस वायर में कैपेसिटर, रेसिस्टर एंड इंडक्टर आर एब्सेंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस इन होल वायर विल बी कॉन्स्टेंट, सेम होगा। ठीक है? तो आप देखो कि हमारे पास कितना पॉइंट है, दो पॉइंट है। एक पॉइंट को आप लिखो ए और दूसरे पॉइंट को लिखो आप बी। ए पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है वी है, और बी वाले पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। अब देखो वी और जीरो के बीच में कौन कौन सी चीज लाई कर रही है, यहां ध्यान से देखो। वी और जीरो के बीच में देखो यहां कितना कैपेसिटर है, 1 2 3, इसको एज इट इज कनेक्ट कर दो। ठीक है? अब जो ये वाला कैपेसिटर है, ये वाला वो सीरीज में नहीं है, ये वाला कैपेसिटर हमारा सीरीज में नहीं है। अब उसमें क्या होगा, ये इसके पैरेलल में चला जाएगा, ये कैपेसिटर इसके पैरेलल में चला जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से जाएगा, समझ आ रही बात है? ऐसा क्यों हो रहा सर? यहां और वहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारा, सेम है, इसलिए। ठीक है? अब देखो ये सीरीज में, तो सीरीज को आप फाइंड आउट कर लोगे। तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट निकालो, इसका इक्विवेलेंट निकालोगे सी का फॉर्मूला लगाना, 1 upon C = 1 upon C1 + 1 upon C3। यहां से वैल्यू आएगा C/3। ठीक है? ये सीरीज वाले का आ गया। अब मेरे को दोनों को ऐड करना है, तो क्या करोगे आप, C equivalent = C + C/3। ठीक है? तो इसका एलसीएम ले लेना, कितना आ जाएगा, 3 + 4 4C/3 4/3C, ये हमारा आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है? देखिए जब आपको ये मेथड पता चल रहा है, समझ आ रहा है, तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। अब वैल्यू हमेशा लास्ट में पुट अप कर दीजिएगा, मैं से पूछेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ किसका, ए और बी के बीच का। आप कुछ भी नहीं करोगे, लास्ट में वैल्यू पुट अप करना, हमारा आंसर आ जाएगा। मेन मोटिव आपको कंसेप्ट समझना, जिसके बीच में निकालने के लिए बोलो उसको पोटेंशियल डिफरेंस ड्रा करो, उसके बाद वायर से स्टिक करो। अब आपको लगता होगा सर कैसे होगा, देखो अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं बीच वाले में। बीच का मतलब क्या है, जब वायर के बीच में हमारा कैपेसिटर आ जाएगा तब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, उसका केस अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही ले लेते हैं, नोट डाउन कीजिए इसको। देखिए थर्ड क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी क्या है कि ए और बी के बीच में वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हम लोगों को ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वायर को मैं यहां से उठाता हूं, यहां स्टिक कर देता हूं, दो कैपेसिटर को मैंने कवर किया। कितने कवर किया, दो को कवर किया। अब देखो फिर ये कैपेसिटर को, ये कैपेसिटर को, फिर दो को लेकर मैं यहां स्टिक कर देता हूं वायर को। ठीक है? अब फिर क्या करता हूं कि इसके बाद मैं दो को और कवर कर लेता हूं यहां से उठा के, यहां से। अब आप देखो ध्यान से, यहां का पोटेंशियल V, तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। यस और नो? अब सवाल होता है, यहां का पोटेंशियल तो जीरो है, तो क्या यहां का पोटेंशियल भी जीरो होगा? ध्यान समझिए, यहां पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। रीजन क्या सर, क्योंकि इसके बीच में हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है,
जब कैपेसिटर लगा हुआ होता है या रेसिस्टर या इंडक्टर, तब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर जाता है। तब मैं क्या करता हूं, यहां पे कोई एक वेरिएबल मान लेता हूं, यहां पर का मैं मान लेता हूं x, यहां के कैपेसिटर का मान लेता हूं x। अगर यहां पे x होगा तो यहां पे भी क्या होगा, x ही होगा, वायर सेम है, फिर x यहां पे वैल्यू क्या होगी, यहां भी x ही होगी, और अगर यहां पे भी है तो पूरे वायर में कोई कैपेसिटर नहीं है, यहां भी वही होगा। समझ आ रही बात नहीं, यहां पे जीरो नहीं होगा क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां पे x तो पूरे वायर वैल्यू सेम है, यहां भी x होगा, पूरे वायर वैल्यू सेम, यहां भी x होगा। समझ आ रही बात नहीं आ रही है, ये बात को समझो कि यहां पे बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है इसलिए वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा। अब इसको आप ड्रा करने की कोशिश करो, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ध्यान से देखो, ए और बी के बीच में, ए पे हमारा पोटेंशियल कितना है, वी है, बी पे हमारा पोटेंशियल कितना है, जीरो है। अब देखो वो कौन कौन सा पोटेंशियल है जिसका जो लाई कर रहा है वी और जीरो के बीच में, वी और जीरो के बीच में कौन कौन सा लाई कर रहा है। तो आप क्या करो, देखो ऐसे केस में देखो हम लोगों को एक पॉइंट और लेना पड़ेगा बीच में, क्योंकि बीच में एक पॉइंट और है, कौन सा पॉइंट है सर, एक्स पॉइंट है। इस बार सारा कनेक्शन वी और जीरो के बीच में नहीं है, बीच में एक्स भी है। तो एक्स में कौन कौन है सर, देखो वी और एक्स के बीच में, देखो वी और एक्स के बीच में पहला कैपेसिटर है, इसको ऐसे लिख दो, वी और एक्स के बीच है, ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में, वी और एक्स के बीच में है, इस तरीके से डाल कर दो, ठीक है। ये वाला किसके बीच में है, वी और एक्स के बीच में है, ठीक है। ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो यहां पे ये दो कैसे ड्रा होगा, ये दो तो सेम ही है, एक ही है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, देखो यहां पे जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तब कैपेसिटर और रेसिस्टर या इंडक्टर का रहना ना रहना बराबर ही होता है, यूजलेस रहता है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम देन कैपेसिटर रेसिस्टर एंड इंडक्टर इज प्रेजेंट और नॉट, इट्स देयर इज नो एनी मीनिंग ऑफ इट, कोई इसकी मीनिंग नहीं होती, यूजलेस होता है वो। तब अब हम क्या लेंगे, ये वाला लेंगे, क्योंकि देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक्स और जीरो के बीच में है, एक्स और जीरो के बीच में, तो कहां लाई करेगा। अब देखो कितना सिंपल हो गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल का निकालो और सीधे जाते हो, कैसे निकालेंगे, पैरेलल में तो कुछ करना नहीं होता है, क्या फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ जितनी वैल्यू है, सी मैं लिख रहा हूं, सी 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 प्लस सी प्लस सी, कितना आ गया ये 3c आ गया। पैरेलल वाले के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा कितना आ गया, 3c आ गया। अब ये किसमें है, सीरीज में है, तो मैंने बताया कि एक इस सबकी वैल्यू कितनी आ गई, इस सबकी वैल्यू हमारी आ गई 3c, ये हमारा c है, तो दो हमारा कैपेसिटर है। तो जब दो कैपेसिटर का हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होता है तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, मा मा का मतलब क्या, एम ए, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये 3c * c, और क्या करो ऐड करो तो 3c + c कितना हो जाएगा, 4c हो जाएगा, c से c कट गया, हमारा आंसर आ गया 3/4c। कितना ही हो गया, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम को यूज करने की वजह से वी आर फाइंडिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वेरी इजीली, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना सर, अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाए, ठीक है, तो उस केस में हमारी वैल्यू डिफरेंट हो जाए। आपको बच्चा सोचेगा कि सर इसको यहां क्यों नहीं लगा देते हैं, यहां लगा देंगे बाबू तो यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये लाइक करेगा जीरो और एक्स के बीच में, वैसे भी सोल्व करोगे तो आंसर वही आएगा। समझ आ रही बात नहीं आ रही है, तो मैंने v और जीरो के बीच में भी लेकर दिखाया और v और जीरो के बीच में, सॉरी v और जीरो के बीच में एक अलग वेरिएबल ले लिया x, जहां पर डिफरेंट पोटेंशियल था, तभी मैंने आपको सिखा दिया कि ऐसे सर्किट में, ऐसे क्वेश्चन में हाउ वी विल कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कर लोगे आप इसके ऊपर में कितना भी क्वेश्चन जो आया हुआ अभी तक 40 इयर्स के अंदर में, जेईई मेंस और नीट के अंदर में, आप क्वेश्चन उठाओ, बिलीव मी इजिली आपसे बन जाएगा, इसी बेसिस पर सारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का है, इस तरह का आप क्वेश्चन उठाओ, नहीं अगर आपको मिल रहा है क्वेश्चन तो आई विल मेक ए पीडीएफ, मैं पीडीएफ नीचे इसमें कमेंट बॉक्स में ही डाल दूंगा, ठीक है। आप इसको नोटन करो, फिर हम पढ़ेंगे टाइप टू। पहला टाइप क्या था हमारा, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, टाइप टू पढ़ेंगे हम लोग, इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क, जब हमारे सर्किट में इनफाइनाइट कैपेसिटर लगाओ तब हम लोग वहां पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। नोट डाउन कीजिए, फिर मैं उसको फाइंड करता हूं।
देखो टाइप टू में मैंने लिया है इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क। टाइप टू वाले में जब हमारे पास सर्किट के अंदर में ढेर सारे कैपेसिटर हों तब हम लोग उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखो जब क्वेश्चन ऐसा हो ढेर सारा कैपेसिटर हो नेटवर्क के अंदर में, जैसे शादी उदी में देखा ना, जैसे डेकोरेशन होता है रेजिस्टर लगता है, तो अगर हमारे पास कैपेसिटर मैं ना हो ढेर सारा सर्किट बना दूं उसका, हमसे मुझसे पूछे हाउ वी विल कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है उसके माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कैपेसिटर जितने कैपेसिटर ऊपर वाले सबका जो हमारा कैपेसिटर का वैल्यू दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 2μF दिया हुआ है, 2 μF दिया हुआ है, और नीचे वाले का 1 μF। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे सर? सपोज करना लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ होल नेटवर्क, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ होल नेटवर्क बी एक्स मान लेते हैं। पूरे नेटवर्क का जो कैपेसिटर हमारा है वो क्या है? एक्स है। लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ होल नेटवर्क बी एक्स, एक वेरिएबल मैंने सपोज कर लिया। अब हमसे ये पूछे एक को छुड़ा के पूरे की वैल्यू कितनी होगी। जैसे देखो मुझसे पूछे अगर मैंने पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्स सपोज किया है तब यहां से लेके इंफिनिटी तक का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो भी कितना होगा सोचो। देखो जब कोई चीज हम लोग बहुत अमाउंट में बात करते हैं, जैसे एक वेल है, रिवर है, रिवर के अंदर में से आप एक लोटा पानी निकाल लो, एक बकेट पानी निकाल लो, उसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। उस ठीक उसी तरीके से जब हमारे पास इनफाइनाइट नेटवर्क हो, ढेर सारे नेटवर्क हो, उसमें से एक नेटवर्क को कम करोगे तो उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चे सोचते क्या है सर टोटल में से एक्स में से इसको माइनस कर दो ये वैल्यू आएगी, ऐसा मत करना। सर्किट वाले केस में इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क वाले केस में जो आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सपोज किया है वही वैल्यू स्पीडी होगी। तो मैं बोल दूंगा इसकी वैल्यू भी मैं सपोज कर रहा हूं क्या ये एक्स है, क्या ये एक्स है? तो अब पहले देखो कि जब पूरी इक्विवेलेंट होल नेटवर्क के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम सपोज किया एक्स, तो इतना से लेके मतलब यहां से लेके पूरा नेटवर्क तक का जितना हमारा कैपेसिटेंस लगा हुआ है उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी एक्स ही होगी। तब इसका अगर हम लोग जब ई ड्रा करेंगे सर्किट ड्रा करेंगे तो कैसा बनेगा? देखो सर्किट ठीक है, यहां पे वैल्यू ए पॉइंट, यहां पे बी है, तो यहां पे वैल्यू कितनी है 2 μF, यहां पे है 1 μF। अब जब हम इसको रिमूव करेंगे तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी एक्स आएगी, क्योंकि पूरे को भी मैंने क्या सपोज किया एक्स किया है, क्या किया है एक्स। अब आप देखो ये सर्किट काफी आसान हो गया आपके लिए, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ना वैल्यू को, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है एक्स, अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी। आप देखो ये दोनों किसमें है, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, किसमें भैया? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग निकालने का फॉर्मूला सीखा है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। जब उसका सर्किट बनाओगे आप कुछ यूं आएगा, कुछ इस तरीके का आएगा, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी। अब आप देखो जब ये रिमूव कर दोगे तो यहां पे जब ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे तो क्या आएगा, दो में मल्टीप्लाई करते हैं। जब दो सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ होता है या रेसिस्टर लगा हुआ होता है, मैंने फॉर्मूला बताया सिंपल, मां दो को मल्टीप्लाई करो दो को ऐड करो 2x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और अपन में ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2+x। यहां की दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 2x अपॉन में 2+x, यहां की वैल्यू दी हुई है 1 μF। अब फिर से देखो आप ये दोनों किस में आ गया, ये दोनों आ गया पैरेलल में, तो पैरेलल फॉर्मूला क्या होता है सिंपली ऐड करना, ऐड करेंगे तो क्या आएगा सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 1+2x/2+x। ठीक है, अब यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे भैया, यहां सिंपल 10th क्लास की मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, कर लोगे? नहीं तो मैं यहां पर देखो कर देता हूं, जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2+x सी की वैल्यू इज इक्वल टू यहां आ जाएगा 2+x इज इक्वल सॉरी +2x, ऐड करो 2x प्लस x कितना हो जाएगा 2+4x हो जाएगा अपॉन में 2+x। देखो सही चल रहा है। अब देखो जो सी की वैल्यू है वो किसकी बराबर मैंने बोला
x के बराबर है, c इक्विवेलेंट किससे सपोज किया था x, तो उसको यहां रिमूव कर दो, ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या हो जाएगा ये 2x + x² + 2 + 4x, ये क्वेश्चन पूछा है कि अब इसको सबल्यूएट करने के आ जाओ, तो हो जाएगा x² + 2x - 4x - 2 = 0, x² - 2x - 2 is equal to 0, अब क्या हो गया x² - ये क्वेश्चन हमारी बन गई, अब इसको सॉल्व कर लोगे, सही किया हमने 2x x², ठीक है, आप इसको देख लो एक बार, ये कैलकुलेशन सही है या गलत है, ठीक है, हो जाएगा, नहीं यहां पे एक मिस्टेक हुई है, देखो यहां पर 2x + x कितना होगा 3x होगा ना, चलो ये सिंपल मैथ तब कर ही लोगे, 3x यहां पर क्या आएगा हमारा 3x, यहां पर क्या आएगा x आएगा, अब ये क्या बन गई x² - x - 1, तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई, x की दो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू एक आएगी हमारी माइनस वन और एक हमारी आएगी x की वैल्यू 2, तो नेगेटिव वाले को तो लेंगे नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब मेन फंडा मेरा यहीं तक है, उसके बाद सिंपल मैथ्स आप कैलकुलेशन कर लोगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लगा था सॉल्व कर लेना, मेरे कहने का मतलब क्या है, जब इनफाइनाइट नेटवर्क हो, कैपेसिटर लगा हो, अगर पूरे का इक्विवेलेंट x सपोज किया है, उसके बाद इतने का भी सपोज, इतना का जो वैल्यू आएगी वो भी x ही आएगी, ठीक है, उसके बाद सर्किट कुछ यूं बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर आपको सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने आता ही है, आप कर लोगे, एक क्वेश्चन इसके ऊपर मैं दे देता हूं होमवर्क के रूप में, ठीक है, नोट कर लो, सिंपल है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ये इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क का, इसको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूं, सारी चीज सेम करनी है आपको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x मान लीजिएगा, फिर मैंने इस पर क्या c कर दिया है c, ठीक है, तो यहां से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल लेना, फिर x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना, उसके बाद लास्ट में अगर वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी तो वैल्यू पुट अप करना, आपका आंसर आ जाएगा, मेन मोटिव है कि आपका इसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको कर लीजिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है इसका, ठीक है, इसकी भी x की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है, अब देखो दो टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको सिखाया, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क, एक टाइप का और कर लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन हम लोग को आगे पढ़ना भी है, पर इसके ऊपर में भी यहां पे न्यूमेरिकल आता है, रेसिस्टर में भी आता है और कैपेसिटर में भी आता है, तो यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं, थर्ड टाइप कर लेते हैं, नोट कर लो इसको, व्हीटस्टोन ब्रिज, हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो थर्ड टाइप का मैं न्यूमेरिकल लेके आया हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, जो हमारे टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो ड्रॉपर हैं, उनको ये इस बात समझ में ढंग से आ रही होगी, वरना इसको आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस में भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, इसलिए मैं यहां पे कवर कर रहा हूं, देखिए हमारे पास ये सर्किट है, आप सर्किट को पॉज करके पहले वीडियो को देखो, क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कैसे सॉल्व होगा ये, देखो मेरे अकॉर्डिंग ना ही ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आप ध्यान से देख लो, क्या शब्द हो यहाँ, यहाँ देखो ये तो दोनों पैरेलल है, तो क्या है, तो सर सोल्व कैसे करेंगे ऐसे सर्किट को, देखो अगर मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, अगर मैं किसी तरीके से इसको हटा दूं, रिमूव कर दूं, हटा दिया जाए, अब ये सर्किट सिंपल हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गया, दोनों को जोड़ के इक्विवेलेंट निकालोगे, इसका निकालोगे, दोनों पैरेलल में आएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है तो हमारे लिए क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है, समझ आ रही बात नहीं है, ना ही ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना ही ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तब क्या करें सर, तब ऐसे कॉन्सेप्ट को बताने के लिए हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया गया व्हीटस्टोन ब्रिज का, किसका दिया गया व्हीटस्टोन ब्रिज का, वो कॉन्सेप्ट क्या बताता है, बोलता क्या है, अगर किसी जगह पे आप पोटेंशियल डिफरेंस को कॉन्स्टेंट कर दो, अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है, उसके बीच में रेसिस्टर लगा हो, कैपेसिटर लगा हो, इंडक्टर लगा हो, वो यूजलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए तब, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने हम लोग कॉन्सेप्ट क्या दिया, एक काइट टाइप का उन्होंने बनाया, देखो सर्कल बनाया, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ठीक है, अब इसके बीच में हमारा एक कैपेसिटर है, ये वाला ऐसा कंसेप्ट दिया गया, अब देखो
हमारे पास कितना कैपेसिटर है, चार है, दोनों का विघटन कर लिया, एक बोला C1 C2 C3 C4, ये चार कैपेसिटर लिया। उन्होंने बोला कि अगर इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम कर दिया जाए, सेम प्रूफ कर दिया जाए, तो फिर इस कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, हम लोगों को यहां से C1 अपॉन C3 इज इक्वल टू C2 अपॉन C4 ये प्रूफ करना है। तो सर देखिए, मैंने तो C1 C2 C3 C4 रख दिया, आप ऐसे याद रखिएगा, ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आप कोई पॉइंट भी दे देना, नाम दे देना C1 C2 C3 C4, बच्चे लड़ जाते, रखना नहीं, इधर का रेशियो लेफ्ट साइड का रेशियो और राइट साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हमें अगर मैं इसको प्रूफ कर दूं तो ये वाला कैपेसिटर क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, कोई उसका यूज नहीं रहेगा। फिर हम लोग पास सिंपल हो जाएगा, ये दोनों का सीरीज लगाएंगे, ये दोनों का सीरीज, फिर ये पैरेलल में आ जाएगा, पैरेलल का आंसर आ जाएगा। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, अगर हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस वी है, क्या हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस वी है, और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास जीरो है, समझ आ रही बात नहीं आ रही है। अब देखो इस जगह को मैं मान लेता हूं एक्स, इस दोनों को मैं कहां मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। अब देखो कि जब यहां पे चार्ज जाएगा तो चार्ज दो जगह पे डिवाइड हो जाएगा, चार्ज जो है देखो यहां तक अगर चार्ज पहुंचेगा, जब ये बैटरी कनेक्ट होगी, आप इमेजिनरी में बता रहा हूं, बैटरी कनेक्ट होगी तो चार्ज इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो इधर को मैं मान लेता हूं Q1, इसको मान लेता हूं मैं Q2, एनी प्रॉब्लम, यहां पर चार्ज Q1 है, यहां पर चार्ज Q2 है, यहां भी चार्ज हमारा क्या होगा Q1 होगा, यहां पर क्या होगा हमारा Q2 होगा, समझ आ रही बात नहीं आ रही है। अब देखो कि हम निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर निकालने का, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, वी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन सी हो जाएगा। कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, अब वी का फॉर्मूला क्या होता है क्यू अपॉन सी, मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं। देखो पहले मैं इस पॉइंट के लिए लगा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा ये यहां पे वी हायर माइनस लोअर होता है, तो देखो यहां पर क्या होगा वी माइनस एक्स, इस वाले के लिए मैं निकाल रहा हूं वी माइनस एक्स, पोटेंशियल क्या होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, तो चार्ज मैं मान रहा हूं Q1 है, चार्ज Q1 है और हमारा कैपेसिटेंस C1 है, कोई प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम नहीं। अब देखो मैं इसके लिए निकाल रहा हूं V माइनस एक्स, इस वाले के लिए V माइनस एक्स, चार्ज क्या होगा हमारा Q2 और कैपेसिटेंस क्या होगा C3, एनी प्रॉब्लम, ये तो आपको आता है ना फॉर्मूला पेस्ट जाइए। अब देखो इसके बाद मैं क्या करता हूं, सर आपने ये लगा दिया, फिर लगाओ यहां से, यहां पोटेंशियल डिफरेंस एक्स और वहां जीरो, क्या हो जाएगा एक्स माइनस जीरो, पोटेंशियल वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, वही फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला यहां से क्या जाएगा Q1, चार्ज क्या होगा यहां पर भी Q1 होगा और पोटेंशियल क्या है C2 है, भैया यहां भी पोटेंशियल तो जीरो ही होगा ना, देखो ना एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू Q1 अपॉन C2, ठीक है क्लियर है। अब ये चीज मैं इसके लिए लगा रहा हूं एक्स माइनस जीरो, चार्ज कितना हमारा यहां पे Q2 है और कैपेसिटेंस कितना है Q4। अब ध्यान से देखो, पहले ध्यान से देखो ये सही है गलत है, आपको क्या लग रहा है, समझ पाया फॉर्मूला लगाया V इक्वल टू Q अपॉन C, इसके लिए लगाया इसके लिए लगाया इसके लिए लगाया इसके लिए लगाया, ठीक है। अब देखो यहां से जब ये दोनों को आप इक्वेट करोगे तो ये भाई क्या है, देखो मैं इक्वेट कर रहा हूं Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C3, क्या मैं इसको ऐसे अरेंज कर सकता हूं Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C3 कर सकता हूं, एक इक्वेशन यहां से आ गई। इन द सेम वे क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ये तो इक्वेशन आ गई हमारी एक, मैं इसको इक्वेट कर रहा हूं, ये दोनों तो बराबर ही है, तो लिख रहा हूं Q1 अपॉन C2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C4, तो Q2 को यहां लेके आ रहा हूं, क्या हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 is equal to C2 upon C4, Q1 Q2 इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान ले इसको टू मान ले, देखो ध्यान से देखो आप Q1 Q2 की वैल्यू ये है, Q1 Q2 की वैल्यू ये है, इसका मतलब ये है कि हमारा C1 upon C3 is equal to C2 upon C4 प्रूफ हो गया। जब इसका मतलब ये है कि यहां पे और यहां पे जब ये इक्वल हो गया, इसका मतलब ये है कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम है, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो इस वाले कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं, ये यूजलेस है, क्लियर है ये,
विद स्टोन ब्रिज का मैंने कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझा दिया। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। कैसे हो जाएगा सर? ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ो, तो दोनों को जोड़ो तो किसमें आ जाएगा? पैरेलल में आ जाएगा भैया। ये दोनों को आप जोड़िएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला आएगा 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/1 आ जाएगा, 1/3। तो वहां से वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग आएगी 3/4। जब ये दोनों का इक्विवेलेंट निकालिएगा, तो इसका निकालिएगा तो यहां पे क्या है, 2 और 6 है, तो 2 और 6 का निकालिएगा तो आ जाएगा 1/2। ये आ जाएगा हमारा 3/2। क्या जाएगा हमारा? 3/2। हमारा कुछ भी नहीं करना, सिंपल इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल दीजिएगा। तो अब किसमें आ गया? ये पैरेलल में आ गया। पैरेलल में आया नहीं आया? अब पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। क्या करना फॉर्मूला है? 2 है, डायरेक्ट उसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। कर लो इसको, कैसे कर लोगे भैया? 3/2 + 3/4। एलसीएम निकालोगे, 4 2 कैल्सियम कितना आएगा? 4 आएगा, 2 4 6 + 3 कितना आ रहा? 9/4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 9/4। इसको पॉइंट निकालने की कोशिश करोगे, हमारी वैल्यू आएगी 2.25 माइक्रोफराड। इतना माइक्रोफराड आएगा ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्लियर है? ये हमारा होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है? आप अगर देखना चाहो इसके बाद देखो, यहां पे 1 है, ये 2 है, तब यहां पर रख लो 1 2, ये रखो यहां पे 3 6। इसको इक्वेट करो, 1/2 = 3/6, 3 1 3 1 2, ठीक है। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या समझाया आपको, कि अगर हमारे पास बीच में कोई एक सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है, हमें समझ नहीं आ रहा सीरीज पैरेलल क्या है, वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? व्हीटस्टोन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन कब लगता है? जब ये दोनों का रेशियो किसके बराबर हो? ये दोनों के बराबर होना चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तो यहां यहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, उसके बीच में अगर कोई चीज भी रहेगा, कैपेसिटर, इंडक्टर या रेसिस्टर, यूजलेस। क्लियर है? तो मेरा आपको एडवाइस है, सजेशन है, कि आप इन 3 टॉपिक को पढ़ने के बाद इस चैप्टर से जो भी हमारे जेईई मेंस नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, प्लीज आप उसको लगाइए। बिलीव मी, सारा क्वेश्चन इस कंसेप्ट का आपसे बन जाएगा, ठीक है। तब आज के लेक्चर को मैं यहीं पर रोकता हूं। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल इसके बच रहे हैं। किसके बच रहे हैं सर? कॉन्सेप्ट कह सकता हूं मैं कि हम लोग कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं, डिस्चार्ज कैसे होता है, उसका डेरिवेशन, बट उसको अभी पढ़ाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद नीट इसी 2021-2020 शायद मई जून में होगा, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, उससे पहले मैं एक लेक्चर लूंगा जिसमें हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सिखा देंगे आपको, और कुछ अच्छे अच्छे निकल आएंगे, ठीक है। तो आज ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन, सो दैट द नीडी स्टूडेंट्स कैन गेट ए लॉट ऑफ बेनिफिट, ठीक है। जय हिंद।